कैसे हैं आप सभी लोग? आइए आज हम ट्रायंगल के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और वो ट्रायंगल का जो क्वेश्चन होगा वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर बेस्ड होगा। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है दैट इज इन फिगर, पहले फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन है इन फिगर ई एफ पैरेलल ए बी, ई एफ पैरेलल टू ए बी, ए बी पैरेलल डी सी, ई एफ पैरेलल ए बी एंड ए बी पैरेलल डी सी, प्रूफ दैट ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। इसको प्रूफ करना है। कह रहा है कि ई एफ पैरेलल टू ए बी है और ए बी पैरेलल डी सी, मतलब ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो प्रूफ करो ए ई अपॉन ई डी और बी एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाओ। देखो दो ट्रायंगल, देखो एक ए डी सी, ए डी सी, ई पी जो लाइन है वो डी सी के पैरेलल दिख रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ई एफ पैरेलल टू डी सी है, तो ई एफ लाइन डी सी के पैरेलल है, दैट मीन ई पी लाइन भी डी सी के पैरेलल होगी। तो ट्रायंगल ए डी सी एक ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल ए बी सी, इसमें PF लाइन AB के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि EF पैरेलल टू AB देन PF पैरेलल टू AB। तो आप पहले ट्रायंगल ABC देखते हैं। इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC, ADC, अब यहां पे लिखो EP, EP पैरेलल टू BC, EP पैरेलल, EP पैरेलल टू BC, that means by BPT, by basic proportionality theorem, basic proportionality theorem, AE upon ED, AE upon ED is equal to AP, same ratio में divide करता है, जब line triangle के दो side को divide करती है, that तो दोनों side की जो length है same ratio में divide होती है, तो AP upon PC, इसको इक्वेशन नंबर वन लिखते हैं। ठीक है, अब उसी तरह इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी पी एफ पैरेलल ए बी, पी एफ पैरेलल टू ए बी, पी एफ पैरेलल ए बी, दैट मीन्स ए पी अपॉन पी सी, ए पी अपॉन PC, AP अपॉन, क्योंकि ये जो लाइन है पैरेलल है, ये दो साइड, दोनों साइड ऑफ ट्रायंगल को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, तो AP अपॉन PC इज इक्वल टू BF अपॉन FC इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ये टू हो गया। अब देखो वन और टू में क्या कॉमन है, AP अपॉन PC इसमें भी है, AP अपॉन PC इसमें है, तो वन को 2 के बराबर इक्वेट कर दो। जब 1 को 2 के बराबर इक्वेट करोगे तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, प्रूव, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट समझ के, थ्योरम समझ के जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो चीजें समझ में आएंगी आएंगी। मैंने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, दोनों को समझाया है, उसके बाद एक क्वेश्चन लगाया है।
ये चौथा लेक्चर है जिसमें मैंने प्रूफ करके बाय बेस यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। देखते हैं कितना समय लिया मैंने, तो 5 मिनट लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे और उसको देखेंगे। फिगर है, इन फिगर, तो पहले फिगर बना दो, एक लाइन दो, यहां से एक लाइन दे दो, एक ये और एक ये, फिर ये, फिर ये, ओके। इसका नामकरण करो ए सी, ए सी बी सी, ए बी बी, इसके पैरेलल है एक लाइन क्यू पी और ये पैरेलल है आर। कह रहा है पी क्यू पैरेलल बी सी, पी क्यू पैरेलल बी सी, हालांकि दिख नहीं रहा है मगर मैंने इसको कोशिश करना है पैरेलल दिखाने की। ओके पैरेलल है QP पैरेलल BC, PQ पैरेलल BC, PQ पैरेलल PQ पैरेलल टू BC, PQ पैरेलल टू BC एंड PR, PR पैरेलल टू BC। प्रूव दैट, प्रूव करना है AR अपॉन AD इज इक्वल टू AQ अपॉन ए बी, इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो लो देखो पी क्यू, पी क्यू पैरेलल बी सी, पी क्यू पैरेलल बी सी एक ट्रायंगल है ए बी सी, उस ट्रायंगल में ट्रायंगल के दो साइड को एक लाइन है जो बी सी के पैरेलल है डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब हुआ जो डिवाइड कर रहे हैं दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी क्यूपी पैरेलल टू बीसी, क्यूपी पैरेलल टू, क्यूपी पैरेलल टू बीसी। अब क्यूपी पैरेलल टू बीसी है तो रेशियोज जो होंगी सेम डिवाइड होंगी, तो एक्यू अपॉन क्यूबी, एक्यू अपॉन क्यूबी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी, इक्वेशन वन। अब कह रहा है पी आर पैरेलल डी सी, पी आर पैरेलल डी सी, तो एक ट्रायंगल है ए डी सी जिसके अंदर पी आर पैरेलल है डी सी के, इसका मतलब जब लाइन किसी ट्रायंगल के किसी साइड पैरेलल है और उसके दो साइड को डिवाइड कर रही हो तो सेम रेशियोज में डिवाइड करती है, तो इन ट्रायंगल ए डी सी पी आर पैरेलल टू डी सी, इट मीन्स ए आर अपॉन आर डी, ए आर अपॉन आर डी इज इक्वल टू ए पी, ए पी अपॉन पी सी, इक्वेशन टू। अब देखो कॉमन क्या है, ए पी अपॉन पी सी, ए पी अपॉन पी सी, इक्वेट वन इज इक्वल टू टू। अब ये कॉमन है इन दोनों में, ये इसके इक्वल है और यहाँ पे ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये और ये आपस में इक्वल होंगे, दैट ए ए आर, ए आर अपॉन आर डी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू बी। प्रूव, ये हो गया प्रूव, ठीक है। तो इसी तरह और भी तमाम क्वेश्चंस को उठाएंगे करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, हैव अ नाइस डे।